आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा देन 1 plus dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें यहाँ x का वैल्यू दिया है a cos क्यूब थीटा और y का वैल्यू दिया है a sin क्यूब थीटा और हमें dy by dx होल स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम पहले यहाँ x by a इक्वल टू cos क्यूब थीटा लिख सकते हैं और यहाँ से x by a होल पावर 1/3 क्या होते हैं, cos थीटा होते हैं और यहाँ सिमिलरली y by a क्या होगा, y by a होगा sin क्यूब थीटा लिख सकते हैं और y by a होल पावर 1/3 इक्वल टू sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin थीटा cos थीटा का रिलेशन में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है और हमें इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये क्या होगा, x बाय ए होल पावर 2/3 प्लस y बाय ए होल पावर 2/3 इक्वल टू 1 है और अब हम इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये क्या होगा, 1/a पावर 2/3 कॉमन होगा और यहाँ 2/3 x पावर -1/3 होगा क्योंकि d by dx ऑफ x पावर n क्या होगा, x पावर n -1 इंटू n है और यहाँ से 2/3 इंटू y पावर -1/3 इंटू dy by dx होगा और ये 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और यहाँ से हम कह सकते हैं कि dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स पावर -1/3 बाय वाई पावर -1/3 और यहां से हम इसको माइनस ऑफ वाई बाय एक्स होल पावर 1/3 लिख सकते हैं और हमें वाई का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दिए है वाई का वैल्यू दिए है ए साइन क्यूब थीटा दिए है डिवाइडेड बाय और एक्स का वैल्यू क्या दिए है ए कॉस क्यूब थीटा दिए है और ये होल पावर 1/3 यहाँ ये कैंसिल है और ये क्या होगा साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा टैन क्यूब थीटा माइनस ऑफ टैन क्यूब थीटा होल पावर 1/3 होगा और यहाँ से हम कह सकते हैं कि डीवाई बाय डीएक्स क्या आ रहा है, डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू माइनस टैन थीटा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने है कि 1 plus dy by dx होल स्क्वायर यहाँ से 1 plus dy by dx होल स्क्वायर क्या होगा 1 plus tan square theta होगा और हमें another trigonometric identity पता है, trigonometric identity tan theta और secant theta के relation में है, वो trigonometric identity क्या है secant square theta minus tan square theta equal to 1 और यहाँ से secant square theta equal to 1 plus tan square theta लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ 1 plus dy by dx whole square क्या होगा secant square theta होगा, यह है हमारा आंसर। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।